two banks of a canal are straight and parallel. A, B, C are three persons of whom A stands on one bank and B and C on the opposite banks. देखिए, सपोज ये एक रिवर है, ये रिवर के दो कोने हो गए, दो बैंक्स हो गए, ठीक है. इन दो बैंक्स पे क्या है, यहाँ पर मान लीजिए A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है. A एक बैंक पर है, B और C दूसरे बैंक पर है. B finds the angle of angle ABC is 30 degree. Angle ABC कितना है, ये है 30 degree. C finds that angle ACB is 60 degree. C ने देखा angle ACB कितना है, 60 degree. ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है. अब हमें क्या देना है, ये 30 है, 60 है, तो ये ऑटोमेटिकली 90 हो गया. ये अब जैसे ही ये 90 डिग्री हो गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है. अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है. हमें बोला इफ बी एंड सी आर 100 मीटर अपार्ट, ये बी और सी कितना है, 100 मीटर्स की दूरी पर है. द ब्रेथ ऑफ द कैनाल इज, हमें निकालना है इस कैनाल की ब्रेथ, हमें ये वाला पोर्शन निकालना है, ये हमें बताना है कितना है. देखो ये BC है, ये BC क्या है, इस 90 डिग्री के सामने ये होगी हाइपोटन्यूज, ये होगी 2x, 2x कितना है, 100. देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 2x, तो 30 डिग्री के सामने क्या होता है, x, 60 डिग्री के सामने क्या होता है, x रूट 3. ये हाइपोटन्यूज है 2x, ये ठीक है. तो अब क्या है मेरे पास, ये जो हाइपोटन्यूज है 2x है, तो 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी x, ये हो जाएगी x रूट 3. ये चीज़ क्लियर है. अब क्या है, देखिए मेरे पास 2x है 100, तो x हो गया 50. x बेसिकली क्या है, x है AC, AC के बाद AB कितना है, x रूट 3 यानी 50 रूट 3, और हमारा BC है हाइपोटन्यूज, वो है 2x. हमें बताना है इस रिवर की विड्थ, ठीक है, इस कैनाल की विड्थ. तो बेसिक सीधी सीधी बात ही है, मान लो अगर मैंने ऐसे करके, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट है, मान लो ये इस ट्राइंगल की हाइट है. तो मैंने क्या करा, एरिया ऑफ ट्राइंगल दो तरीके से निकाल के इक्वेट करता हूँ. मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैंने एक ही बात दो बार लिख दी है. देखो एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये बेस इंटू, मतलब ये दोनों साइड आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो ए बी इंटू ए सी हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट. दूसरा तरीका क्या है, फिर से लिख दिया हाफ, अब ये बेस कितना है, बी सी है, और हाइट मान लो ये वाला पॉइंट है डी, तो ये इसको ए डी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इसको ए डी लिख सकता हूँ, हाफ से हाफ कट जाएगा. ए बी की वैल्यू कितनी है, 50 रूट 3. ए सी की वैल्यू कितनी है, 50. बी सी की वैल्यू कितनी है, 100 इंटू ए डी. ये 50 से, देखो एक जीरो से, मान लो मैंने दोनों जीरो काट दी है, इधर भी ये जीरो कट गई, तो क्लियरली यहाँ पर ए डी कितना आ गया, 5 × 5 × √3, 25 √3, 25 √3 यानी ऑप्शन नंबर 3. तो ऑप्शन 3 इज द आंसर. मैं दोबारा समझा देता हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन. हमें दिया ये एक रिवर है, कैनाल है, सॉरी ऐसे बह रही है, मान लो ये इस कैनाल के दो अपोजिट बैंक्स हैं, इस वाले बैंक पर क्या है, ए है, और इस वाले बैंक पे बी और सी है. ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, और इन दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर. मुझे बताना है ये रिवर की चौड़ाई कितनी है. हमने क्या करा, देखो ये 90 डिग्री के सामने अगर 2x है, तो 30 डिग्री के सामने क्या होगा, x, 60 डिग्री के सामने x रूट 3. मेरा ये सब आ गया. अब बस मुझे ट्रायंगल का, मैंने क्या करा, ये ए डी निकालने के लिए ना ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से लिखूंगा. पहला तरीका क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी. दूसरा तरीका क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी. हाफ से हाफ कट जाएगा, बाकी आप आराम से इक्वेट कर लीजिएगा, क्या वैल्यूज डाल के आपका आंसर आ जाएगा.